सरोर टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चले, कल रात से ही युवा राजपूत सभा को जो है वो डिटेन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में। रात से ही जो है युवा राजपूत सभा के तमाम मेंबर्स हैं, और फिलहाल एक बड़ी खबर है, तमाम युवा राजपूत सभा के लोगों को जिनको डिटेन किया है फिलहाल भूख हड़ताल पे जो है वो बैठ चुके हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है, जब तक सरोर टोल प्लाजा को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आता, तब तक युवा राजपूत सभा जो है भूख हड़ताल पे जो है वो बैठी रहेगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, युवा राजपूत सभा जो है फिलहाल कड़ी मेहनत के बाद, हालांकि एक बड़ा प्रदर्शन कड़ी धूप में किया गया और उसके बाद युवा राजपूत सभा के लोगों को डिटेन भी किया गया रातों रात। और उसके बाद अभी बड़ी खबर है, युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों ने फिलहाल भूख हड़ताल जो है वो कर दी है, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भूख हड़ताल जो है वो तब तक चलेगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जो है वो जो है रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता। अगर बात करते चले 21 अगस्त का जो है वो अल्टीमेटम जो है युवा राजपूत सभा की तरफ से जो है वो साफ तौर पर दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसके बाद जो है एलजी प्रशासन और इसके बाद साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो है वो बातचीत की गई, और उसके बाद दो दिन का समय जो है वो मांगा गया था, लेकिन युवा राजपूत सभा जो उन्होंने डिसाइड किया था उसी के चलते 21 अगस्त को फिलहाल जम्मू से वो जीवल से निकले थे, और उसके बाद कई सारे लोग जो है युवा राजपूत सभा के समर्थन में आए, उसके बाद सरोर टोल प्लाजा की तरफ जो है वो रवाना हो चुके थे, और रास्ते में उनको जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रोका भी गया, जिसके बाद वहां पर युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों ने गाड़ियां जो वो साइड पर लगाकर पैदल मार्च जो है वहां से शुरू कर दिया था, और उसके बाद वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद काफ़ी सारे लीडरान जो है उनसे मिलने के लिए भी आए, और रातों रात आपको बताते चले जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों ने और उनके समर्थकों ने वहीं पर जो है सरोर टोल प्लाजा पर ही जो है वहां पर जो है बिस्तरे लगा लिए और वहीं पर जो है वो बैठ गए, और रात भर जो है वो प्रदर्शन का दृढ़ निश्चय लेकर वो बैठे थे, और रातों रात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस द्वारा तमाम युवा राजपूत सभा के लोगों को जो है वो डिटेन किया जाता है, और फिलहाल रात से ही युवा राजपूत सभा के तमाम मेंबर जो है वो डिटेन किए हुए हैं, फिलहाल पुलिस में फिलहाल उनको जो है वो डिटेन जो है वो किया हुआ है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर जो है एक बड़ा जमावड़ा जो है फिलहाल इस वक्त जो है वो इकट्ठा हुआ है, जिसमें एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें युवा राजपूत सभा के प्रधान विकी जी और फॉर्मर प्रधान राजन जी भी फिलहाल उनकी तरफ से वीडियो जो है वो जारी किया गया, और उस वीडियो में साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फिलहाल उनके फोन जो है उनसे छीन लिए गए हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, इनका साफ तौर पर कहना है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, फिलहाल अभी जो है युवा राजपूत सभा के लोगों को जिनको डिटेन किया है तमाम जो है भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सरोर टोल प्लाजा को लेकर कोई खबर नहीं आएगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तब तक जो है ये भूख हड़ताल जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल आपको बताते चले, कल रात से ही तमाम युवा राजपूत सभा के लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है, और कई सारे लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, और कई जगह पर प्रदर्शन भी किया गया। सुनने में आ रहा है कि जम्मू में भी जो है कुछ ही समय बाद जो है एक प्रदर्शन जो है जम्मू में भी देखने को मिलेगा, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरोर टोल प्लाजा को लेकर ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बताते चले, सरोर टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा का दृढ़ जो निश्चय है, फिलहाल जो संकल्प उन्होंने लिया है वो संकल्प और ज्यादा जो है वो गति पकड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पहले साफ तौर पर एक साइलेंट प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते भी पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया गया, और फिलहाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर ही उन्होंने जो है भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरोर टोल प्लाजा को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आता, तब तक जो है युवा राजपूत सभा के लोग जो है वहीं पर जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे। और उनका संदेश जम्मू के लोगों के लिए, डोगरों के लिए है कि युवा राजपूत सभा का जो है वो समर्थन करें, यदि आप आज नहीं जागे तो आप कभी भी जाग नहीं पाओगे, यदि आज अगर आप चाहते हो कि सरोर टोल
प्लाजा जो है वो उखाड़ा जाए तो जरूर आप युवा राजपूत सभा का जो है वो आप समर्थन करें, उनके साथ खड़े हो जाएं। और ऐसे कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारे अलग अलग संगठन जो है युवा राजपूत सभा के समर्थन में जो है वो सामने आ रहे हैं। और फिलहाल युवा राजपूत सभा की तरफ से एक बड़ा ये संकल्प लिया गया है जिसमें जम्मू ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से लोग जो है उनके समर्थन में आ रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें और युवा राजपूत सभा का सपोर्ट भी करें। सरोड टोल प्लाजा को लेकर भी आपकी क्या राय है, लाइक सरोड टोल प्लाजा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, उसका काम सस्पेंड होना चाहिए, नो रोड नो टोल का जो हैशटैग लगातार ट्रेंड में चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट सेशन में बताने की कोशिश करिएगा। फिलहाल आप तक एक बड़ी खबर मैंने पहुँचाने की कोशिश करी सरोड टोल प्लाजा को लेकर। युवा राजपूत सभा जो है फिलहाल भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, युवा राजपूत सभा फिलहाल जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुकी है। और उनका कहना है साफ तौर पर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो सामने नहीं आएगा तब तक युवा राजपूत सभा जो है भूख हड़ताल पर जो है वो बैठी रहेगी। और तमाम जम्मू वासियों से उन्होंने जो है वो अपील की है कि जम्मू वासियों को फिलहाल अब युवा राजपूत सभा के समर्थन में आना चाहिए, सरोड टोल प्लाजा के को लेकर जो है वो अपने घरों से बाहर आना चाहिए और एक साथ खड़े जो है वो होना चाहिए। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।